दिल्ली की हम बात करेंगे, जहां पर नाइट कर्फ्यू का असर दिखने लगा है। रात 10 बजे के बाद सड़कों पर आवाजाही कम हुई है। दुकानें, बाजार, रेस्टोरेंट, मॉल सब कुछ बंद नजर आए। सड़कों पर पूरी रात पुलिस प्रशासन बल मौजूद रहा, गाड़ियां पेट्रोलिंग करती रहीं और ये नाइट कर्फ्यू की वजह से हुआ है। नाइट कर्फ्यू का असर सड़कों पर सन्नाटे के साथ नजर आया, जहां पुलिस प्रशासन मौजूद रहा, लेकिन जो नाइट कर्फ्यू था उसके फैसलों का पालन करते हुए दुकानें बंद रखी गई, सड़कों पर आवाजाही बहुत कम नजर आई। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं को जरूर इसमें छूट दी गई है, लेकिन रात में दुकानें, बाजार, रेस्टोरेंट, मॉल सब कुछ बंद नजर आए। इस वक्त मैं जिस जगह मौजूद हूँ, यह जगह काफी भीड़ भाड़ वाली इलाका है। यह जो है लक्ष्मी नगर का मंगल बाजार है और मंगलवार के दिन यहाँ पे हजारों की तादाद में भीड़ होती है। लोग यहाँ पे काफी ज्यादा मौजूद होते हैं और रात के काफ़ी देर तक यहाँ पे दुकानें खुली रहती हैं, लेकिन इस वक्त की स्थिति को आप साफ तौर पर महसूस कर सकते हैं कि किस तरीके से नाइट कर्फ्यू का आलम यहाँ पे महसूस किया जा सकता है। यहाँ पे सारी दुकानें बंद हैं, कभी यहाँ पे हज़ारों की संख्या में भीड़ हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ की आप तस्वीर देखें कि पीछे जो है दिल्ली पुलिस की गाड़ी है जो लगातार इस इलाके में गश्त कर रही है और उन्हें लोग उन्हें सड़क पर दिखाई दे रहे हैं, उन्हें नाइट कर्फ्यू को लेकर के उन्हें वो जागरूक कर रही है ताकि नाइट कर्फ्यू के वक्त में वो अपने घर के अंदर मौजूद रहे ताकि कोरोना के संक्रमण को चुनौती दिया जा सके और कोरोना के खतरे को हरा करके टाला जा सके राजधानी दिल्ली से। ये बताइए क्या कुछ तैयारी है नाइट कर्फ्यू में, किस तरीके से इस चुनौती से निपटना है? नाइट कर्फ्यू के लिए जो जैसा आपको मालूम है आज से स्टार्ट है, तो हमने अपने एक इसमें प्लानिंग कर लिया है कि किस तरीके से वेरियस पिकेट्स और जो पेट्रोलिंग टीम्स हैं वो उनका डिप्लॉयमेंट रहेगा। साथ ही में जो RWAs और MWAs हैं इन सबके साथ मीटिंग किए गए हैं और मीटिंग में इनको पहले ही अवेयर कराया गया है ताकि मैक्सिमम कंप्लायंस गवर्नमेंट के डायरेक्शंस का हो। और अभी भी हम लोग यहाँ पर V3S मॉल पे हैं, ये एक मेजर कमर्शियल सेंटर है, तो यहाँ पर कंप्लीट शॉप्स वगैरह आप देख रहे हैं तकरीबन पूरे सब बंद हो चुके हैं। और हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट की ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के जितने भी पुलिस के लोग हैं, तमाम लोग सड़कों पर हैं इसका ऑर्डर का कंप्लायंस करने के लिए। तो जिस तरह से मतलब जिन लोगों को आधिकारिक तौर पे इजाज़त मिली है कि वो नाइट कर्फ्यू में भी चल सकते हैं सड़कों पे और जिन्हें नहीं मिली, तो उनको लेकर के जागरूकता आप कैसे फैला रहे हैं? देखिए, इसमें आज हमने बड़े अनाउंसमेंट्स कराए हैं। हमारे जो पुलिस की गाड़ियां हैं उनमें PA सिस्टम लगा के हमने अनाउंसमेंट कराया है। इसके अलावा जो हमारे पास एक सोशल मीडिया वॉलंटियर्स का एक ग्रुप है, उस ग्रुप में भी हमने मैसेजेस सर्कुलेट किए हैं। SHOs ने अपने अपने लेवल पर RWAs MWAs के साथ मीटिंग की है और उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वहाँ पर भी अवेयरनेस फैलाने के लिए मैसेजेस सर्कुलेट किए गए हैं। और बाकी आप जैसे लोग हैं मीडिया के, उनकी भी हमने हेल्प ली है ताकि मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में पता चले। रिपोर्ट देखिए कि इस तरीके का असर नाइट कर्फ्यू का देखने को मिल रहा है और बात हम देश की राजधानी दिल्ली की कर रहे हैं और साथ ही आर्थिक राजधानी मुंबई की भी कर रहे हैं, इसलिए मुंबई से शिवांगी ठाकुर मेरे साथ मौजूद हैं और दिल्ली से श्रद्धा चतुर्वेदी लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले दिल्ली का अपडेट ले लेते हैं। श्रद्धा, पिछले 24 घंटे में 5100 केस आए हैं, नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, सड़कों पर कितनी सख्ती आपको देखने को मिल रही है और लोग इसमें कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? देखिए, नाइट कर्फ्यू इसलिए लगाया गया पूर्णिमा क्योंकि लगातार लोगों से ये कहा जा रहा था कि नियमों का पालन करें, लेकिन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। मसलन प्रशासन को ये फैसला लेना पड़ा कि नाइट कर्फ्यू लगाया जाए। इस वक्त मैं आनंद विहार बस अड्डे पर हूँ और आप देखेंगे कि नियमों का पालन कैसे कराया जा रहा है। आप देखिए, सिविल डिफेंस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो लोगों से कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस में रहिए, मास्क लगाइए और उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आप देखिए नज़ारा, यहाँ तस्वीर देख सकते हैं। हालांकि अभी भी हमें अंदर ऐसे लोग नजर आए हमारी रिपोर्ट में जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ था। वही प्रशासन ने कई फैसले लिए हैं पूर्णिमा, एक आपको तस्वीर इधर दिखाना चाहूंगी क्योंकि यह फैसला लिया गया है कि अब उन राज्यों से वो यात्री आते हैं जहां पर कोरोना का संक्रमण ज्यादा है, उनका रैंडम टेस्ट होगा, RT-PCR टेस्ट होगा। मेरे पीछे आप देखेंगे यहाँ पे 10 बजे से रैंडम टेस्ट शुरू हो जाएगा और ये इसलिए एक बार फिर से किया जा रहा है ताकि बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जाए। इसके साथ ही जो अहम फैसला लिया गया है, दिल्ली का सबसे बड़ा कोविड डेडिकेटेड अस्पताल LNJP, वहाँ पर OPD बंद कर दी गई है आज के लिए, एम्स में भी बंद कर दी गई है। मसलन
वैसी स्थिति देखने को मिल रही है पूर्णिमा, जो एक साल पहले देखने को मिल रही थी। पहले ये तो तय है कि पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहकर पीड़ी बंद करी गई, ऐसे रैंडम ये तो तय है श्रद्धा कि पुलिस प्रशासन एकदम मौजूद रहकर वहां पर सख्ती के साथ पालन करवाने की कोशिश कर रहा है। और क्योंकि आप रैंडम टेस्ट की भी बात कर रहे हैं, दूसरे राज्यों से आए लोगों की बस स्टैंड पे वो भी हमें देखने को मिल रहा है, उम्मीद की जा सकती है कि शायद इससे केसेस रुके। मुंबई का हाल भी आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले क्योंकि हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में नाइट कर्फ्यू जो लागू कर दिया गया उसके दौरान किन लोगों के लिए ई पास जरूरी होंगे, किन के लिए नहीं, किस तरीके के नियम है, वो आपको बिग बॉल के जरिए मैं समझा देती हूं। दो सेक्शन आप यहां देख रहे हैं, ई पास जरूरी नहीं और ई पास जरूरी, यानी कि इससे आप ये समझ जाएंगे कि किन के लिए पास की जरूरत है और किन के लिए पास की जरूरत नहीं है। दरअसल जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, आपदा यानी कि इमरजेंसी सर्विसेज हैं, इसके साथ जो पुलिस है और सिविल डिफेंस और मेडिकल से जुड़े लोग हैं, इनके लिए ई पास जरूरी नहीं है। इनका मूवमेंट बिना ई पास के हो सकता है, लेकिन ई पास जरूरी किन के लिए है? राशन वालों के लिए, किराना दुकानों के लिए, फल सब्जी वालों के लिए, दूध मीट मछली यानी कि ये जो रोजाना की जरूरतें होती है इनके लिए जरूरी है बहुत ज्यादा ई पास। देखिए जिला प्रशासन अकाउंट बिजली, जो प्रेग्नेंट विमेंस है, महिला है, मरीज है, इनके लिए ई पास जरूरी नहीं है। पशुओं के खाने की जो दुकानें हैं, दवा दुकानें हैं, बैंक, इंश्योरेंस और एटीएम, इनके लिए ई पास की जरूरत है। अब पानी, साफ सफाई, हवाई, रेल, बस से जुड़े जो सरकारी अधिकारी हैं, इनके लिए ई पास की जरूरत नहीं है। लेकिन पत्रकार, इंटरनेट सर्विस, आईटी, केबल से जुड़े जो लोग हैं उनके लिए ई पास जरूरी है, कंपलसरी हो जाता है। रेल, बस, हवाई यात्रियों को टिकट जरूर आपको दिखानी होगी, तब आपको ई पास की जरूरत नहीं होगी टिकट दिखाने के साथ साथ। लेकिन जो दवा दुकान वाले हैं, पेट्रोल पंप हैं, कोल्ड स्टोरेज वाले हैं या फिर वेयर हाउस वाले हैं, उनको ई पास की जरूरत पड़ेगी। ये कुछ जो नियम लागू कर दिए गए हैं, ये बता रहे हैं कि आपको किन चीजों को ध्यान में रखते हुए घर से बाहर निकलना है। ई पास की जरूरत है तो वो बनवा लें, अगर जरूरी नहीं है तो आप मूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि रात में कर्फ्यू के दौरान दिल्ली की सड़कों पर कुछ लोग बेवजह भी निकले, इन्हीं लोगों को पुलिस ने कैसे वापस भेजा, मेरे सहयोगी आपको बता रहे हैं, रिपोर्ट देखिए उनकी। रात के तकरीबन 12:15 बज चुके हैं और इस वक्त हम मौजूद है आरटीओ के पास, जहां पर नाइट कर्फ्यू को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कराने के लिए दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने कमर कसी हुई है और आने जाने वाली हर गाड़ी जो कि ज़रूरी सेवाओं से नहीं जुड़ी हुई है उन्हें वापस जाने की हिदायत जो है वो दी जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं, जो कि आने जाने वाली गाड़ियों पर नज़र रखे हुए हैं। जो लोग ज़रूरी सेवाओं से जुड़े हुए नहीं हैं उन्हें वापस भेजा जा रहा है, और जो लोग ज़रूरी सेवाओं से जुड़े हुए हैं उनका बाकायदा आई कार्ड चेक किया जा रहा है, जो एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है उसकी टिकट चेक की जा रही है, ई पास चेक किया जा रहा है, और जो लोग ज़रूरी सेवाओं से नहीं जुड़े हैं, जो घूमने फिरने के लिए बाहर निकले हैं उन्हें बाकायदा दिल्ली पुलिस के जवान वापस भेज रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आपको दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं वो नज़र आएंगे, जो कि यहाँ से जो गुजर रही गाड़ियाँ हैं उन्हें वापस भेज रही हैं, क्योंकि जो ज़रूरी सेवाओं से जुड़े हुए लोग नहीं हैं उन्हें साफ हिदायत दी जा रही है कि नाइट कर्फ्यू लागू हो चुका है, 10:00 से 5:00 तक कर्फ्यू रहने वाला है, इसलिए आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। और अब आर्थिक राजधानी की बात करेंगे। मुंबई में बीएमसी की सख्ती दिखी है। दरअसल सोसाइटी में 5 से ज्यादा मरीज मिलने पर उसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा। आने जाने वालों पर नजर रखने के लिए सोसाइटी के गेट पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। मेडिकल इमरजेंसी और परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को छूट होगी। कोरोना पॉजिटिव के बाहर निकलने पर FIR दर्ज होगी। इस तरीके से बीएमसी सख्ती दिखा रहा है। शिवांगी, बिल्कुल, देखिए बीएमसी को अब सख्त होने की भी ज़रूरत है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम बीते 24 घंटे की बात करें तो 10,000 मामले मुंबई में है, वहीं 55,000 से ज़्यादा मामले राज्य में हैं, और लगातार जो मिनी लॉकडाउन लागू किया गया है उसके बाद कई ऐसे लोग हैं जिनमें डर पैदा हो गया है कि कहीं संपूर्ण लॉकडाउन ना हो जाए, इसलिए लोग पलायन भी कर रहे हैं। लेकिन पलायन अपनी जगह है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ लगातार उड़ रही है, और यही कारण है कि अब जितने भी बीच हैं उन्हें कम्प्लीटली बंद कर दिया गया है। लगातार मुंबई पुलिस अपने ओर से नए नए नोटिफिकेशन जारी कर रही है ताकि लोगों को समझ में आए कि कब क्या करना है। जब शुरुआती दौर में ये पूरा लॉकडाउन का नोटिफिकेशन आया था तब बहुत सारे लोगों के बीच कंफ्यूजन था कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे लोगों को समझ आ रहा है। लेकिन स्थिति भयावह है, क्लियर होगा, उनका पालन भी करना होगा। और देखिए शिवांगी, बीएमसी को सख्ती भी दिखानी पड़ेगी। 55,000 से ज्यादा केसेस हैं 24 घंटे में। शुक्रिया आपका शिवांगी, और श्रद्धा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। फिक्र आपकी,
सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।